रोड छोटी थी, अचानक से कोई सार साइड से आधी घंटे दूरी के लिए भर के आगे नहर की वजह से काम चल रहा था पुल का, तो साइड से कोई छोटा रास्ता था, उसकी चौड़ाई कम हो गई। चौड़ाई में सामने से कोई अचानक जानवर आ गया था, सब साइड देने के चक्कर में कटी थी। अच्छा जी, रोड की चौड़ाई भी कम। अच्छा जी, जिस वजह से क्या है था सुनाम के लिए जाकड़ होते हुए था, तो सुनाम से पहले नहर का काम चालू है, उन्होंने रास्ता डाइवर्ट कर रखा था इस रोड पे, और रोड की चौड़ाई बिल्कुल कम है, सामने से बाइक भी आ गई तो गाड़ी वाले का नुकसान ही होगा इसमें। मेरे सामने से दो तीन गाड़ियां आ गई थी, मैंने उन्हें साइड दे तो मेरी गाड़ी पलट गई साइड में, इससे मेरा 3-3.5 लाख का नुकसान है। हाँ, इसमें जान माल का कभी भी नुकसान हो सकता है, किसी भी टाइम 24 घंटे खतरा बना रहता है इसके ऊपर। अरे सरकार से एक ही मांग है, इस रोड को चौड़ाई करवाए इसकी, कम से कम ये 16 फुट रोड होना चाहिए यहाँ पे, जबकि रोड 7.5 फुट ही है यहाँ। हाँ जी भाई, दसोंगे तुसी तुहाडा नुकसान क्यों होया? मेरा नुकसान हुआ है जी, ये मेरी गाड़ी अपने बारा मंडी से भर के आ रही थी दूरी के लिए, पंजाब के लिए, तो आगे से ये अपने सुनाम से 7 किलोमीटर पहले नहर का काम चल रहा है, तो अचानक से यहाँ से परमानेंट जाते हैं, पहले कभी ऐसा काम वाम रास्ता बंद था नहीं, आज ही रात में ये रास्ता बंद निकला, अचानक से साइड में ये रोड निकाला हुआ है, कोई छोटा रोड है, उसकी साइज भी कम है, साइडों में रोड ऊंचा है, साइडों में 3-3 फुट गड्ढे हैं, ठीक है, रोड की साइज कम थी, अचानक से कोई गाय आ गई की वजह से ना, गाड़ी उचाने के चक्कर में गाड़ी नीचे उतरी, नीचे उतरने से गाड़ी पलटी आ गई। रोड की चौड़ाई बहुत ही कम थी, अगर रोड पूरा चौड़ा होता वैसे ही आप गाड़ी ना निकलती, पहले ये चौड़ा रास्ता दिया ही नहीं इन्होंने, पहले रास्ता बंद करके रखा है, आगे से मेन रास्ता बंद करके, अगर आगे से रास्ता बंद करते हैं तो साइड से दूसरा रास्ता देना चाहिए था, पूरा चौड़ा रास्ता इन लोगों ने रास्ता दे रखा है, बिल्कुल छोटी साइज का रास्ता है, दो गाड़ी आपस में निकल नहीं सकती, अचानक से कोई रास्ता साधन आ भी जाए तो साथ निकलने के लिए जगह ही नहीं, एक दूसरे क्रॉसिंग करने के लिए। नहर का पुल बनता थी, फिर जमदे रोड से सुनाम गड्डी जाती थी, फिर जमदे रोड से पलट गई जी गड्डी, रोड साइड देने लगा गड्डी पलट गई जी, सरकार तो रोड बनना चाहिए जी, चौड़ा है 2.5-3 लाख का नुकसान हो गया जी। हाँ जी, हाँ जी, होर भी 400 हो सकता जी। ठीक है जी, नुकसान बिरधी का लाया जी, ना तो पहला इन्होंने दसिया भी असं कम शुरू करा जी, ठीक है जी, तो महकमे का जोड़ा नुकसान है वह इन्ना हो गया, परसों के 2G 3G घट्टो 70-80 टावर लहरे से बंद पे ने जी, ठीक है जी, पर आया जी जे दस के कम चला तो अभी कोई होर इंतजाम कर लेंगे, बगैर दस कम चलाया मौके के उत्ते महकमा सारी परमिशन लेनिया पैदा ने, महकमे भी अगे तो अथॉरिटी लैटर वगैरह लेने पेंदे ने, करके जी पैसे का जिम्मेवार तो ठेकेदार ही नहीं जी, घट्टो घट इन्हों पंजाब सरकार दसना चाहिए सी इन्हों, जेकर जो तुम कितने भी कोई काम शुरू कर दो तो घट्टो घट कोई भी महकमा, कोई चाहे सीवरेज वाला, कोई रेलवे है, कोई कुछ भी है, उन्होंने घट्टो घट दसो तो इंटीमेट तो करो कि अभी भाई आह काम शुरू करा, कि कद नैट चलते हैं वो परसों तो डिस्टर्ब ने बिच कद कद चल जाते हैं, हूँ कल परसों अभी जोड़ के गए हूँ इन्होंने फिर तोड़ दी जी, घट्टो घट उपर पई तार दिखती है इन्हों, चलो जमीन ज्यादा नहीं दिखती वो तो घट्टो घट्ट बचा सकते थी, तो घट्टो घट 5-7 लाख रुपये तो डेली का नुकसान है ही है जी महकमे का, ये तो हूँ इन्हों की ठेकेदारी धक्केशाही है जी, घट्टो घट मैं तो कहना उपर पई तार तो घट्टो घट देख के बचाओ उन्हू, आप होर नहीं यही कुछ कर सकते, डायवर्सन कर रहे सर साड़ी मजबूरी है जी। किशोर कुमार है जी सुनाम तो जी, BSNL ट्रांसमिशन मेरी ड्यूटी है।